क्रीम, उन महाकाली का मंत्र जो सृष्टि से पहले भी थी, महाकाल की महाकाली, काल की काली। अब काल की काली विभत्स रूप, काल की काली विभत्स रूप, रौद्र रूप, गुस्से वाला रूप, जो फैलाव है और जो सिकुड़ जाना है, वो भगवती जिससे पूरी दुनिया चलायमान है, वो भगवती जिससे समय चलायमान है। क्योंकि जब हम महाकाल की बात करते हैं तो, और महाकाली की बात करते हैं तो, काल को मृत्यु भी कहा जाता है और काल को समय भी कहा जाता है। काल से ही गणना होती है, काल की ही गणना होती है, काल ही गणना के लायक है और काल ही गणन जो है कैलकुलेट किया नहीं जा सकता। क्यों? अब यहां पे हम बात करते हैं, जब मैंने एक पोज डाली थी ग्रेविटी और वेलोसिटी, वो शक्ति, वो काली, वो शक्ति जो काल की शक्ति है, जो काल का होना है, जो काल समय चलायमान है, उसमें व्याप्त है, उसमें स्थित है, अवस्थित है, उसमें उसमें प्रेजेंट है। तो समय तो सब जगह है, परंतु कौन सी ऐसी शक्ति है जो समय को भी स्लो कर दे? वो है ग्रेविटेशन, वो है वेलोसिटी। सृष्टि की शुरुआत कहां से हुई? उससे पहले क्या था? सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं। तो कौन थी वो हिरण्यगर्भ जिससे आप और मैं, ये सारा संसार है? एटम, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, सेल का तीन भाग, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऑब्जेक्ट, मास एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम, टाइम की वो डायमेंशन जहां पे ना आप हैं ना मैं हूं, केवल एनर्जी है, केवल ऊर्जा है, उसी काल समय की शक्ति महाकाली, वो ही ऊर्जा जो विभत्स भी है, वात्सल्य भरी भी है, परंतु ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, केवल ऊर्जा है। यानी जिस जगह स्पीड ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, उस जगह पे समय स्लो हो जाएगा। जिस जगह पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, जिस जगह पे समय स्लो हो जाएगा। तो जो शक्ति इन सब के परे है, वो कालिका, वो काली, वो महाकाली, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, श्याम शीम शूम में शुभम कुरु। यानी सृष्टि के शुरुआत से लेके अंत तक जो शक्ति व्याप्त है, वो कालिका, हे देवी मैं तुम्हें नमन करता हूं। तुम्हारे कितने ही रूप हैं, गुह्य काली, कामकला काली, धन काली, सिद्धि काली, संहार काली, चंड काली, है ना, भाषा काली, शमशान काली, जाने कितने तरह के आपके रूप हैं, कितने तरह की आपकी प्रकार है, कितने तरह का आपका एग्जिस्टेंस है, और वो सब एक ही ऊर्जा से निकलकर फैलता है और फैलकर फिर एक ही ऊर्जा में आ जाता है। वो ही सृष्टि है जिसने शुरू किया, वो ही हिरण्यगर्भ है जो इस सृष्टि के होने का कारण है, वो है काली। सृष्टि की शुरुआत से अंत तक काल की काली, काल की काली, हे भगवती मैं तुम्हें नमन करता हूं।